बिहार के नियोजित शिक्षकों को होली का मिलेगा तोहफा, शीघ्र शिक्षा मंत्री कर सकते हैं ऐलान। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आया है, बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार की बेटियों ने, गांव और शहरों की बेटियों ने कर दिया कमाल। बिहार के टॉपरों में विज्ञान, कॉमर्स और कला में बेटियों का रहा कब्जा। सोनाली, सुगंधा और मधु भारती बनी टॉपर। इधर बिजली दरों में 1% से कम वृद्धि, जल्द अनुदान की घोषणा। मुजफ्फरपुर में बनेगा ईएसआई अस्पताल। राजद के बिहार बंद का आंशिक असर, राष्ट्रपति कोविंद अस्पताल में भर्ती। मोदी ने बांग्लादेश में इंदिरा गांधी को सराहा। सायरस मिस्त्री को हटाने का फैसला सही कोर्ट। छत पर 100 वर्ग फीट में भी हो सकेगी बागवानी। कर्मियों के बच्चे के जन्म पर खर्च उठाएगी बिहार सरकार। पंचायतों में 25,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित। वाम दलों ने जगह जगह निकाला मार्च। बिहार बंद में दिखा जंगल राज मोदी। 267 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार शुरू होंगे। विधानसभा समितियों को और सशक्त बनाएं विधानसभा अध्यक्ष। 1 अप्रैल से बंद होंगे सभी प्रखंड अनुमंडल कोषागार। सूबे में अब तक 241 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम लेते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपके लिए खास खबरों को। इधर इको टूरिज्म के लिए बनेगा अलग विंड। इधर मुख्यमंत्री ने राजगीर में इको यानी नेचर सफारी का उद्घाटन किया और बहुत बड़ी बात कही। राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, सतर्क रहने की अपील। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का रिकॉर्ड। मुंबई के कोविड अस्पताल में आग से 10 की हुई मौत। मुख्तार अंसारी को यूपी जेल भेजने का आदेश। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बोबी। मगध संवाद के इस खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले अगर हम खबर को लेते हैं तो बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर अब तमाम कार्य जो हैं दिन प्रतिदिन पूरे हो रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग सारी कार्य को मुस्तैदी से कर रही है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगा वैसे ही हम चुनाव का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन हाई कोर्ट में केस होने के कारण ईवीएम को लेकर 6 अप्रैल को इसकी अधिसूचना के बारे में विचार हो सकते हैं। फैसला आने के बाद 7 मार्च को अधिसूचना जारी हो सकता है। इधर अगर पंचायती राज की बात चली है तो पंचायती राज विभाग ने जताई नाराजगी। जिलों को आवश्यक कदम उठाने को कहा। पंचायतों में 25,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र है लंबित। डीएम को भी पत्र दिया गया। अंकेचर की नियुक्ति मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराने को कहा गया है। अनियमितता वालों को चिन्हित करने की बात भी कही है। जो अनियमितता करते हैं उनको चिन्हित करने की भी बात की गई है। ग्राम पंचायतों में 25,000 करोड़ से अधिक का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। यह स्थिति अंकेचर कार्य नहीं होने से उत्पन्न हुई है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने नाराजगी व्यक्त की है। इधर नेचर सफारी का उद्घाटन राजगीर में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि लोग घूमने आएंगे, लोग जानेंगे, सीखेंगे, देखेंगे और उनको जाने वक्त उनको आपने घुमा है इसको एक फोटो भी उनको मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी रोडवे का किया उद्घाटन। इको टूरिज्म के लिए बनेगा अलग विंड। 20 केबिन वाले रोपवे में 1 घंटे में 800 लोग कर सकेंगे सफर। ग्लास स्काई चौक से लोगों को हुई है खुशी। बख्तियारपुर राजगीर 999 को केंद्र से बात करेंगे। जू सफारी का उद्घाटन भी होगा शीघ्र। यानी कि नेचर सफारी के लिए उद्घाटन के लोग लेकर लोगों का इंतजार था। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचर सफारी जो है वो शीशे का बनाया गया है, देखने लायक है और इसमें अलग चीज दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसका भी उद्घाटन हो गया है। हम और आप इसका हम इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मजे ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर की अगर बात कर लें तो राज्य में जो है बिहार में जो है सतर्कता से कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना से सतर्क रहने की राज्य सरकार की अपील की गई है। राज्य सरकार ने अपील किया है। बिहार में जारी रहेगी केंद्र सरकार की गाइडलाइन। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो जारी रहेगा। कोरोना में देश में कोरोना का संक्रमण की दूसरी लहर रिकॉर्ड तोड़ेगी।
और इधर मुख्तार अंसारी को यूपी जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। इधर अगर बात कर ले बिहार की बेटियों की, तो बिहार की बेटियां फिर एक बार छलांग लगाई है और बेटों को पछाड़ने का काम की है। यानी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है बहुत कम समय में, और बेटियों ने जीत हासिल किया, सफलता हासिल किया, जिसमें विज्ञान में सोनाली कुमारी बिहार शरीफ के परमेश्वरी देवी विद्यालय की छात्रा है, और वाणिज्य यानी कॉमर्स में सुगंधा कुमारी एन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, जो औरंगाबाद की हैं, और कला यानी आर्ट्स विषय में मधु भारती आर लाल कॉलेज खगड़िया की छात्रा है। ये तीनों ने बिहार टॉप की है अपने अपने क्षेत्र में, और बहुत ही अच्छा रहा है। और शिक्षा मंत्री ने भी इनको बधाई दिया है, और बिहार बोर्ड ऑफिस में शुक्रवार को इंटर का रिजल्ट जारी किया गया शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर और अपर सचिव संजय कुमार भी वहाँ पर मौजूद रहे, यानी तीनों व्यक्तियों की मौजूदगी में वहाँ पर से ऑनलाइन जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। विद्यार्थियों में काफ़ी खुशी रही है, दोगुने प्रश्न रहने के कारण रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन इस उलझन में कई विद्यार्थी फंस भी गए, ओएमआर सीट में फंसते भी नजर आए, और बहुत सारे लोगों को इसको लेकर जीत भी हासिल हुआ है। तो तमाम विद्यार्थियों को मगध संवाद की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी हैं। इधर बिजली दरों में 1% से कम वृद्धि, जल्द अनुदान की घोषणा की जाएगी। बिहार में विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में 1% की कम औसतन 0.63% की वृद्धि की है। इधर राजद के बिहार बंद का आंशिक असर आया, कल विधेयक को लेकर कृषि कानूनों और विरोध में ट्रेड यूनियनों के भारत बंद और विधायकों की पिटाई के विरोध में राजद समेत पूरे महागठबंधन के बिहार बंद का मिला जुला असर रहा। पूरे बिहार में राजद के द्वारा और अन्य पार्टियों के द्वारा बिहार बंद किया गया, जिसका आंशिक असर अखबारों में बताया जा रहा है। इधर राष्ट्रपति कोविंद अस्पताल में भर्ती, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर मुजफ्फरपुर में बनेगा ईएसआई अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनेगा। यह अस्पताल सभी आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस होगा, तो यह बहुत बड़ी चीज है कि जो बिहार में इस तरह से अस्पताल बनेंगे। मोदी ने बांग्लादेश में इंदिरा गांधी को सराहा, साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला सही, कोर्ट ने कहा है। इधर अगर बात कर ले तो छत पर भी 100 वर्ग फीट में भी बागवानी किया जा सकता है, इसको लेकर हिंदुस्तान ने अच्छा आलेख प्रकाशित किया है। कर्मियों के बच्चे के जन्म पर खर्च उठाएगी बिहार सरकार। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के घर अगर बच्चा होता है तो प्रसव पर होने वाले चिकित्सकीय खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। प्रदेश की आम जनता के साथ सरकारी कर्मी भी सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूक बने, इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल की है। शर्त है कि सरकार की ओर से यह सहायता प्रथम 2 संतानों तक ही सीमित रहेगी, यानी 2 संतानों तक ही कर्मचारियों को यह लाभ मिल पाएगा। इधर बात कर ले तो वाम दलों ने जगह जगह भी मार्च निकाला और विरोध किया। बिहार मन में दिखा जंगल राज मोदी, भाजपा सांसद सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राजद वाम दलों और कांग्रेस की ओर से आहूत बिहार बंद के दौरान पटना बेगूसराय दरभंगा सहित अनेक स्थानों पर व्यापक तोड़फोड़ की गई है, जो जंगल राज दिखाई दिया है। 267 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार शुरू होंगे। विभाग ने उपस्करों के लिए पैसा कर दिया है जारी। 534 में से 436 अंचलों में भवन बनकर हो गया है तैयार। इधर विधानसभा समितियों को और सशक्त बनाने की बात की गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सभा की समितियों को और सशक्त बनाने को कहा है। शुक्रवार को उन्होंने विधानसभा की समितियों को सभापति की बैठक में अपने कार्यालय में की। सूबे में अब तक 241 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें गाइडलाइन भारत सरकार की जारी रहेगा। 1 अप्रैल से बंद होंगे सभी प्रखंड, अनुमंडल कोषागार बंद हो जाएंगे। तो इन तमाम खबरों के बीच कई खबरें आपके लिए जानना जरूरी था, जो आपको मैंने बताने का काम किया है, और कुछ और खास खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे। इधर बिहार की नियोजित शिक्षकों की बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से वेतन में 15% की वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि होली से पहले या होली के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को
एक तोहफा, होली का तोहफा मिल सकता है। यह तोहफा क्या है वह अभी तक सूत्रों के द्वारा विस्तृत से नहीं बताया गया है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा एक बार फिर से समान काम समान वेतन की मांग की जा रही है, राज्य कर्मी की दर्जे की मांग की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी संकेत दिए हैं कि शिक्षक केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करें। हम सरकार जो है आपके बारे में हर चीज़ को सोच रहे हैं और अच्छी चीज़ आपको खुशखबरी मिलेगी। तो यह अब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिहार में जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को होली से पहले यानी कि होली का तोहफा दिया जा सकता है। और 1 अप्रैल 2021 से वेतन में नियोजित शिक्षकों के 15% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो यह एक अच्छी खबर, अच्छी संकेत है, वेतन बढ़ सकता है और खुशखबरी मिल सकता है शिक्षकों को लेकर। इधर शिक्षा मंत्री का भी बयान आया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अच्छी खबर मिल सकती है। विधानसभा में विधान परिषद में कई बार पूछे गए सवाल के जवाब में कई चीज़ों पर शिक्षा मंत्री ने इस पर स्पष्ट अपना बयान जारी किया है। तो इस तरह से, और दूसरी बड़ी खबर यह भी कर्मचारियों के लिए रहा है कि अब 2 बच्चे तक बिहार सरकार जो है इस पर खर्च उठाएगी, यानी कि 2 बच्चे तक जो प्रसव होता है उसमें जो भी खर्च होगा बिहार सरकार देगी। तो इन तमाम खबरों से बने रहें और देखते रहें हमारे साथ मगध संवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।